नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टॉप उत्तराखंड स्टेटस नितिन पर। आज हम बात करेंगे, इन दिनों उत्तराखंड बहुत ही चर्चित है। जैसा कि कल बात हो रही थी कि घर के चौखट के बाहर कोयला मिलेगा, उस कोयले को लगाने से क्या सच में कोरोना वायरस ख़त्म होता है, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। उत्तराखंड के सुपरस्टार कॉमेडियन पवन पहाड़ी जो बता रहे हैं इस कोयले की सच्चाई। अरे देश सभा सब गोवाल बिल्कुल आपको पटांगण खोल लगी मेरे को किला करने आला था, आप सकून दे तो किला खंडिया आपको घर पटांगण ना ना को भगवती मैया आदेश रहो को या सपना हुआ कोयल मिलान को मेरे को। अरे नी हुनी रन करो धरती खोद दे कोयले मिलान है। तुम्हारे पिता राज महाराज तो छीन है, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गजनबी तो छीन है, जो तुम्हारे लिए सुना घर लुका जा रहा हूँ ना। हद है यार, मतलब सभा सब गांव में सुधा काउ टिक लगा बेर सुधा शनि देवा तारी घुमा लगी भाई वो हल्दार वाला ना होना नींबू मिर्ची वालू ओम शनिदेव। अजी लोगों, लास्ट में यो वीडियो माध्यम यह पूछता है कि यार अभी जो देश की परिस्थिति है ना वो युद्ध काल की तरह है, युद्ध से भी खतरनाक है। क्योंकि युद्ध में मन का पत्तू हूँ कि अमर शत्रु को छू, लेकिन यहाँ एक ऐसा शत्रु है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। तो प्लीज ऐसे अफवाह मत फैलाएं, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में आने वाली हर एक चीज सत्य नहीं होती है, इस बात को समझे। यो यस टाइम टू बहुत क्रिटिकल टाइम टू, तुम्हारे एक अफवाह एक गलत खबर ने पूरे गांव के गांव पूरे देश को पूरी सोसाइटी को बर्बाद कर सकती है, इसकी गंभीरता को समझे, ठीक है नहीं। जो सरकार द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा निर्देश उड़ी गाइडलाइन उड़े जो जो लोग बतूनी उनका फॉलो करो यार। ये व्हाट्सएप में आंख मुदबेर तुम जो तुम फटाफट फॉरवर्ड कर दी था ना, ये मत करो यार। और जो दादी लोगों ने भी ये कोयले वाली वीडियो फेसबुक में डाली और जिन्होंने भी शेयर किया ना, उनसे पूछा भैया आप पटांगण ना खोदो, आप जो बाज खेत पड़ गई ना तुम्हारे पलायना भी उनका खोदो, उद्यम करो, साग सब्जी उगाओ में, ठीक है ना। ऐसे फालतू की अफवाह मत फैलाओ, हमारे गांव के भोले भाले लोग हैं उना लीजिए जो तुम कह देना वी सच हूँ उनका के पत्ते ना हूँ। तो प्लीज अपने उत्तराखंड को बचाओ, अपने राज्य को बचाओ, अपने को बचाओ, अपने देश को बचाओ। तो आपने ये कोयले वाली सच्चाई देख ली। इसी के साथ जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, अफवाहों से दूर रहें और देश का साथ दें। धन्यवाद।